अगर आप पंतनगर के कॉलेज रिव्यू के बारे में वेट कर रहे थे तो आपको ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। इस संडे हम आ रहे हैं आपके साथ पंतनगर का कॉलेज रिव्यू लेकर, जिसमें आपको पूरी डिटेल होगी किसके साथ पंतनगर में एक बच्चा पढ़ रहा है, माय बैचमेट, उसके साथ हमने पूरी वीडियो प्लान की है, उसके बारे में हम जान रहे होंगे सारी चीज़ें, वहाँ पर क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, कितनी ब्रांचेस है, कितना एरिया है, कितना क्लब्स है, कौन कौन से क्लब्स में आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए अगर आप वहाँ पर एडमिशन लेते हो, हॉस्टल्स की फैसिलिटीज़, प्लेग्राउंड, सब कुछ A to Z जितना आपको डिटेल चाहिए एक ही वीडियो में आपको मिलेगा इस संडे। तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है, और जो सब्सक्राइब बटन के बराबर बेल आइकन है वो आपको दबाना है। तो जैसे ही वीडियो संडे को अपलोड होगी 7:00 PM वीडियो आपको मिल जाएगी। तब तक के लिए हैव अ गुड डे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल, एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द गोविंद वल्लभ पंत इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय। इस वीडियो में हम बात करूंगे इसी के बारे में कुछ डिटेल्स के। सबसे पहले हम देखते हैं इसमें कौन कौन से कोर्सेज हैं। हम अकेडमिक्स में चलते हैं और अंडर ग्रेजुएट्स, तो यहाँ पर ही सारे अंडर ग्रेजुएट्स यहाँ पर प्रोग्राम्स हैं, जस्ट लाइक हमने कहा अगर BSc एग्रीकल्चर, BSc फॉरेस्ट्री, पहले तो ये सब BSc वाले हैं, BSc होम साइंस, BFSc, BSc हॉर्टिकल्चर, BSc फूड टेक्नोलॉजी, हॉर्टिकल्चर फूड टेक्नोलॉजी, BSc वाली बहुत फेमस है आगे। और बात करें BTech एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, तो BTech एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग है, इसकी भी यहाँ पर अभी आपकी जब काउंसलिंग निकलेगी यूट्यूब की ये उसी से होगा। इसके बाद बात करें BTech सिविल इंजीनियरिंग काफ़ी फेमस है, BTech कंप्यूटर साइंस वही प्रीमियम, BTech इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग काफ़ी अच्छी, इसके सारे कोर्सेज अच्छे हैं। देन BTech इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, जिसको हम EC कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, देन BTech मैकेनिकल इंजीनियरिंग, देन BTech फूड प्रोडक्शन, BTech इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड BTech बायोटेक्नोलॉजी। सी इज ए इंटरनेशनल स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर, द स्कूल हैज स्टार्टेड WEF ऑफ फर्स्ट सेमेस्टर 2010, अंडर दिस एन इंटरनेशनल डिप्लोमा इन हाई टेक एग्रीकल्चर बीन ऑफर्ड टू फॉरन नेशंस अंडर सेल्फ फाइनेंस मोड। ये इंटरनेशनल, इसका जो एग्रीकल्चर वाली डिपार्टमेंट है वो इंटरनेशनल है, जो कि 2010 में स्टार्ट हुई थी। बात करें डिग्री की एलिजिबिलिटी क्या है यहाँ पर, तो एलिजिबिलिटी आप सभी को पता ही, एलिजिबिलिटी क्या होगी BTech वालों के लिए, अगर आपको BTech के लिए फॉर्म भरना है तो BTech के लिए क्या एलिजिबिलिटी होगी, वो अपना 12th पास आउट और अपना JEE मेंस क्वालिफाइड या फिर रैंक जितनी चाहिए होती है। कुछ के लिए यहाँ पर एंट्रेंस एग्जाम भी है, आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, साइट लिंक में लग जाएगी, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको साइट मिल जाएगी, एंड ये सब चीज़ें यहाँ पर आपकी अवेलेबल है। उसके बाद हम बात करें अंडर ग्रेजुएट्स हो गए, हम इसके बाद बात करते हैं यहाँ पर प्लेसमेंट्स वगैरह की। इस तरह से आप यहाँ पर साइट पर विजिट कर सकते हैं JBPUT की, और वहाँ पर जितनी भी इंफॉर्मेशन है आप वो ग्रैब कर सकते हैं। बात करते हैं यहाँ पर, सबसे पहले हम प्लेसमेंट सेल पर चलते हैं, ये ओपन हो गया है। दिस इज कॉल्ड प्लेसमेंट एंड काउंसलिंग सेक्शन। हम यहाँ पर देखते हैं कि कौन कौन सी यहाँ पर कंपनीज आई हैं। दिस इज कॉल्ड रिक्रूटर्स, मतलब आप देख सकते हैं कितनी सारी यहाँ पर कंपनियाँ आई हैं, ये एक्सपोर्ट ट्रेडिंग ग्रुप मुंबई, TOV SURI, इंडो गल्फ फर्टिलाइजर, एग्रीकल्चर के लिए देख सकते हैं आप कितनी उत्तराखंड में किसी भी कॉलेज में नहीं आती है जितनी इसमें आई हुई, और एग्रीकल्चर के लिए मतलब CS को IT के लिए तो मैं एक बार मान लेगी आ सकती है, पर एग्रीकल्चर के लिए तो कोई कोर्सेज अवेलेबल ही नहीं है आसपास। इसके अलावा गोदरेज आप देख सकते हैं, और जितनी बड़ी कंपनीज है, HCL फाउंडेशन, मदर डेयरी, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर, HCL, ओमिक्स इंटरनेशनल, ये सारे यहाँ पर, ICIC, ये सब यहाँ पर रिक्रूटर्स आ चुके हैं, तो इसका मतलब यहाँ पर प्लेसमेंट्स अच्छा होगा। तो चलो अब हम एक और बात करते हैं, अब हम इसके रिव्यूज देखते हैं। चलो हम इसके बारे में देखते हैं एडमिशंस कॉलेज दुनिया पर, हम देखते हैं इसके बारे में क्या क्या है। तो ये यहाँ पर रिव्यू लिखा है, गोविंद वल्लभ पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर इज नोन एज पंतनगर यूनिवर्सिटी, वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1960 एंड पंतनगर, इट करेंटली ऑफर्स 2 अंडर ग्रेजुएट्स, 8 पोस्ट ग्रेजुएट एंड 7 PhD कोर्सेज। The undergraduate courses offered are BSc, BTech and postgraduate courses begins by the end of March. Like fees structure की बात करें जो यहाँ पर दिया हुआ है, ये BTech first year के लिए 61,000,
24 फॉर फर्स्ट ईयर, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 10 प्लस 12 प्लस जेई मेंस। हम करते हैं कट यहाँ से, तो ये फीस स्ट्रक्चर भी यहाँ पर इसका दिया हुआ है। अब हम बात करते हैं डिग्री के बारे में, हम चलते हैं बीटेक का फिल्टर लगाते हैं, बीटेक कंप्यूटर साइंस पर देखते हैं, मोस्ट डिमांडिंग ब्रांच कह सकते हैं हम जिसको। इसके बारे में पूरा ओवरऑल 16200 NIRF रैंकिंग, सेकेंड इन उत्तराखंड, देख सकते हैं सेकेंड इन उत्तराखंड एग्रीकल्चर में, नहीं मतलब CAC में। अब देख सकते हैं कॉलेज एडमिशन रिव्यू सिंस ये स्टूडेंट का, सिंस आई डोंट नॉट नो मच अबाउट प्लेसमेंट, हियर इज द रिव्यू बेस्ड आउट पार्ट सीनियर, द प्लेसमेंट सेल ऑफ दिस कॉलेज डिसेंट राइट नाउ, आई वुडंट से वेरी गुड बट यस गुड इनफ टू गिव एवरी स्टूडेंट अ चांस गेट सेलेक्टेड इन कैंपस प्लेसमेंट, या इट इज़ वेरी गुड, मतलब वो आपको चांस प्रोवाइड कर देंगे कि आप प्लेसमेंट सेल प्लेसमेंट में वहाँ पर आपको प्लेसमेंट मिल जाए, आपको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेंगे एटलीस्ट। तो इसी तरह यहाँ पर हम कह सकते हैं काफ़ी अच्छा है, द हाइएस्ट पैकेज लास्ट ईयर इज 9 लाख पर एनएम, जो कि बहुत अच्छा होता है, 9 लाख पर एनएम बहुत अच्छा। इस तरह यहाँ पर पूरा रिव्यू देख सकते हैं, तो पड़ा हुआ है आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस कॉलेज के रिव्यूज देख कर हम ये कह सकते हैं, तो कॉलेज रिव्यू देखकर हम कह सकते हैं काफ़ी अच्छा कॉलेज है। इमेजेस देख सकते हैं आप यहाँ पर, इंटरनेशनल गेट्स गेस्ट हाउस, मतलब एक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में कह सकते हैं, एग्रीकल्चरल की इसको, ये अपने यहाँ पर पूरा इसके बारे में डिटेल्स अवेलेबल है। तो और बाकी डिटेल्स के लिए आपके लिए मैंने एक स्पेशल वीडियो प्लान की गोविंद वल्लभ पंत की, पंतनगर के स्टूडेंट के साथ, जो कि आपको सब चीज़ें बता रहा होगा उस कॉलेज के बारे में, वहाँ पर कितनी कौन कौन सी क्लब्स है, रोबोटिक्स क्लब्स और कौन कौन सी क्लब्स हैं, हॉस्टल्स कैसे हैं, फैसिलिटीज़ कैसी हैं, अपने कॉलेज कैंपस कैसा है, क्या क्या वहाँ पर कौन से कोर्सेज अवेलेबल है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को दबाना है, जिससे कि जैसे ही इस संडे को 7 बजे वो वीडियो अपलोड हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो उसको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना है। तब तक के लिए हैव अ गुड डे।